आपका फिर से स्वागत है ऑनलाइन लर्निंग ऑफ द बेस्ट वे चैनल में। पिछला वीडियो था अपना कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन थे, सूचना सहायक का मॉडल पेपर था, तो वो वीडियो स्पेस कम होने की वजह से बीच में ही उसको रोकना पड़ा। उससे आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 112 था कि वर्ड टेबल के संबंध में कौन सा कथन है सत्य है। टेबल के संबंध में बताना है, उनमें पंक्तियाँ विषम संख्या और स्तंभ सम संख्या में हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक टेबल में सम संख्या और स्तंभ यानी कॉलम है वो विषम संख्या में हो सकती है, रो और कॉलम सम विषम संख्या में हो सकते हैं, दोनों कंडीशन अप्लाई है। और टेबल के दो लगातार ओरिजेंटल और वर्टिकल सेल्स को मर्ज किया जा सकता है। टेबल के दो तिरछे सेल्स को मर्ज किया जा सकता है, तिरछे सेल्स को मर्ज नहीं किया जा सकता, इसलिए इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। पॉइंट और इंच के बीच में कौन सा संबंध सही है, तो पॉइंट के बीच में पॉइंट और इंच सभी को पता है कि एक पॉइंट बराबर कितना होता है, उसका बहत्तरवां भाग इंच के इक्वल होता है, यानी एक इंच में बहत्तर पॉइंट होते हैं, एक इंच में बहत्तर पॉइंट होते हैं, तो एक पॉइंट में कितना होगा, 1/72 इंच होंगे, तो ये ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, रिस्टोर मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कमांड का प्रयोग करके विंडो मेन्यू खोलने के लिए किस कीबोर्ड की शॉर्टकट का एल्ट स्पेस बार का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में एक ऑपरेशन जो डेटाबेस को उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है अंडू होता है, अंडू करने से क्या वो उसकी पूर्व स्थिति में लौटा देता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रोल बैक बोलेंगे उसको, उस स्थिति को क्या बोलेंगे, रोल बैक बोलेंगे। नेक्स्ट है, लाइब्रेरी ऑफ टेक्निकल डॉक्यूमेंटेशन MSDN किसका संक्षेप रूप है, MSDN की फुल फॉर्म क्या है, ये माइक्रोसॉफ्ट डेवलपर नेटवर्क है, जो कि प्रोग्रामिंग इसके द्वारा करना आसान हो जाता है। 256 मेगाबाइट और 2.25 गीगाबाइट का योगफल कितना होता है, मेगाबाइट को पहले गीगाबाइट में ट्रांसफ़र कर लीजिए, 1 गीगाबाइट बराबर 1024 मेगाबाइट होता है, तो 256 को 1024 से भाग देंगे तो 0.25 आ जाएगा, 0.25 GB में कन्वर्ट हो जाएगा, और 2.25 GB पहले से है तो ये कंप्लीट है, वो ढाई गीगावाट हो जाएगा। नेक्स्ट है, क्लास सी आईपी एड्रेस के लिए पहली ऑक्टेट हायर ऑर्डर बिट कौन सी होती है, तो 110 है सी क्लास के लिए, IPv4 की क्लास सी में फर्स्ट ऑक्टेट की रेंज है 192 से 223 होती है, और डी क्लास की रेंज क्या होती है, अगर किसी को पता हो तो 224 से लेके और 239 तक होती है, ई की होती है 240 से 255 तक की रेंज। नेक्स्ट है, डी क्लास का आईपी एड्रेस पूछें, तो डी क्लास के पहले रेंज पता होनी चाहिए 224 से 239, उसके बाद देखेंगे इन्होंने बाइनरी में दे रखा है, तो बाइनरी ये संख्या को अगर अपने डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसका बनेगा 224, जो कि रेंज 224 से लेना है, बाकी का 224 से कम की रेंज वाले हैं ये तीनों, क्योंकि इसका 117 है, और इनका भी आप निकाल के देख सकते हो, सिंपल सा तरीका है इसका। जैसे जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 की पावर में वैल्यू रखनी है, शुरुआत करनी है, फर्स्ट ए नंबर ऑप्शन में देखिए तो 2 की 0 से स्टार्ट होगा, 2 की 1, 2 की 2, 2 की 3, ऐसे पावर रखते जाना है, जहाँ 1 है उनकी वैल्यू को आप ऐड कर लीजिए, 0 है उनकी वैल्यू को छोड़ दीजिए, तो मान अपने आप इसका आ जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 या उसके बाद के संस्करणों में डेटाबेस फाइलों को दर्शाने के लिए किस एक्सटेंशन का यूज किया जाता है, 2003 में देखिए पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर थे 2003 के MS Access, उनमें जो एक्सटेंशन था वो MDB था, MDB,
और अब जो 2007 है और उसके बाद के जितने भी वर्जन है उनका जो एक्सटेंशन है वो है ACEDB है। इसी प्रकार आप अगर MS वर्ड की बात करेंगे, MS वर्ड की, तो उसमें डॉट डॉक था पहले, DOC था 2003 के वर्जन में, उसके बाद में एक्स और इनमें लगने लग गया, जैसे एक्सेल में भी XLS था, अब इसमें एक्स और लगने लग गया। तो 2007 के बाद के जो वर्जन है उनमें ये चेंज हुआ है कुछ, ये भी आपको इम्पोर्टेंट है देखना, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि MS Excel का 2007 MS Excel का जो एक्सटेंशन क्या है उसमें आपको XLS भी मिलेगा और ये XLS X भी मिलेगा, तो इसका सही आंसर यही होगा। नेक्स्ट है मिलान करना है। जिप क्या है? जिप सभी को पता है कंप्रेस करने के लिए होता है फाइलों को। और विंडोज़ एक्सप्लोरर क्या है? फाइल मैनेजमेंट यूटिलिटी है ये। डायरेक्टरी विंडो की विंडो पेड़ की तरह दिखाई देने वाली संरचना है, तो इस प्रकार ये मैच हो जाएगा। नेक्स्ट है एक मध्यम पावर का कंप्यूटर जो माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा लेकिन एक मेन फ्रेम से छोटा होता है वो क्या कहलाता है? वो होता है मिनी कंप्यूटर। कंप्यूटर प्रदर्शन माप के संदर्भ में फ्लॉप्स का पूर्ण रूप क्या है? फ्लॉप्स क्या होता है? फ्लॉप्स का पूर्ण रूप है कंप्यूटर में जो अपने कैलकुलेशन होती है उनकी जो स्पीड है उसको मापा जाता है। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेटर, इसका फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड होती है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड फ्लॉप की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है सी में प्रोग्राम बनाया गया, उसका आउटपुट पूछा है, क्या आउटपुट होगा? इंटीजर प्रकार का एक्स वेरिएबल लिया है, उसमें जीरो वैल्यू रखी है, वाई के इक्वल में टू रखी है और जेड के इक्वल ऑपरेटर में तीन वैल्यू को रखा गया है। अब इंटीजर प्रकार का एक ए वेरिएबल बनाया गया है, उसमें एक्स एंड वाई की वैल्यू रखा गया है और उसके बाद एक ऑपरेटर लगाया गया, उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस बिटवाइज ऑपरेटर को लगा के उसमें जेड की वैल्यू रखी है, तो इसको प्रिंट ऑफ ए को प्रिंट किया गया है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो पूछा है इसने। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी, जेड की वैल्यू आएगी 3। इसमें देखिए बिटवाइज एंड से पहले इस ऑपरेटर प्रेसिडेंस बिटवाइज ऑपरेटर को वैल्यू पहले रखी जाती है, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो इस ऑपरेटर से सी लैंग्वेज में ज़्यादा होती है, इसलिए इसको पहले मान रखा जाएगा, तो इसका जो मान आएगा वो 3 आएगा, तो सही आंसर 3 हो जाएगा। वर्ड के एक टेबल में न्यूनतम रो और कॉलम पूछा है कितनी हो सकती है, तो न्यूनतम एक एक हो सकती है और सर्वाधिक देखें तो कॉलम की संख्या सर्वाधिक 63 तक हो सकती है, रो की कोई इसकी लिमिट नहीं होती। नेक्स्ट है कौन सा सेल B25 को पूर्ण रूप से संदर्भित करता है, तो आप डॉलर में रख सकते हो इसकी वैल्यू। सेल रेफरेंस, पहले बात तो अपने को पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो सेल रेफरेंस दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से? रिलेटिव और एब्सोल्यूट, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। और जो डिफॉल्ट सेल रेफरेंस होता है वो रिलेटिव होता है, रिलेटिव रेफरेंस होता है बाई डिफॉल्ट। तो B25 को पूर्ण रूप से संदर्भित कौन सा कर रहा है, इसमें अपने डॉलर बी एंड 25 इस प्रकार इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट है सेल दे रखी है A1 A2 B1 और B2, इनका मान भी दे दिया इन्होंने कितना, A1 का 20 फिर A2 का A फिर 0 B1 का और B2 का 30 मान रखा है, इन्होंने मान दे दिया। अब इन्होंने एक्सेल में एक फॉर्मूला लगाया है काउंट प्रकार का, काउंट फॉर्मूला क्या होता है, संख्याओं को काउंट करने के लिए होता है। तो A1 से B2 की रेंज पूछी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, यानी चार वैल्यू है, चारों वैल्यू की काउंट फॉर्मूले से वैल्यू पूछी है कि क्या रिजल्ट आएगा, तो ये उन परिणामों को काउंट करेगा, इनको कोई एड सब्ट्रैक्ट तो करना नहीं है, तो इनको काउंट करेगा संख्याएँ कितनी है, चार है, चार दिखा देगा, ये आंसर भी चार हो जाएगा। एक्सेल जिसमें एक्सेल समीकरण दे रखी है ये, इसका रिजल्ट पूछा है, तो
तो सबसे पहले क्या होता है, बोडमास के नियम के आधार पर चलता है ये। बोडमास सुना होगा आपने सभी ने, तो डिविजिबल पहले होगा, तो 8 को डिवाइड किया गया है 2 की पावर 3 से। 2 की पावर 3 कितना होता है, माने 2 × 2 × 2 8 होता है, 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा। अब 1 को क्या किया गया है, माइनस किया गया है 16 से, तो 1 को माइनस 16 से करेंगे तो माइनस का 15 इसका रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट सी का प्रोग्राम है, आउटपुट पूछा है। करेक्टर प्रकार का एक एरे लिया है जिसमें इन्होंने वैल्यू रखी है, सिक्वल पब्लिकेशन प्रिंटअप किया है, परसेंट डी साइज ऑफ एरे को, साइज पूछा है एरे का, तो गेट चर इनमें मान में इनपुट होता रहेगा और रिटर्न वैल्यू है वो 0 करेगा, जैसे जैसे वैल्यू देते रहेंगे वैसे। तो जो करेक्टर प्रकार का एरे है, तो साइज पूछा है, तो साइज बतानी है करेक्टर की कितनी साइज है, तो ये अपने वर्ड देखेंगे सिकवाल पब्लिकेशन, ये 18 करेक्टर हैं, प्लस में क्या है एक 0 वैल्यू भी लास्ट में पुट करता है, तो 18 और 1 19 वैल्यू हो जाएगी टोटल, तो इसका सही आंसर भी 19 हो जाएगा, इसका साइज होगा 19 होगा। एमएस वर्ड में 18 पॉइंट फॉन्ट आकार किसके समतुल्य होता है, 18 पॉइंट एक पॉइंट में कितना होता है, 72वां भाग होता है, तो 18 में कितना होगा, 1/4 भाग होगा, तो इसका सही आंसर 1/4 हो जाएगा। फॉन्ट का मापन पॉइंट में होता है और मार्जिन को इंच में मापा जाता है, ये भी याद रखना है। पीडीए का पूर्ण फुल फॉर्म पूछिए, पीडीए होती है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट होता है, जो कि एक है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है, हाथ में रखने वाला डिवाइस है ये, जिसमें हैंड हेल्ड डिवाइस भी बोलते हैं। नेक्स्ट है सीआरटी डिस्प्ले डेटा के विजुअल प्रदर्शन के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, सीआरटी डिस्प्ले डेटा के विजुअल प्रदर्शन के लिए। सीआरटी की फुल फॉर्म क्या होते हैं, कैथोड रे ट्यूब होती है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन गन भी कहा जाता है, और जो फास्फोरस युक्त है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलती है, और वो बीम किस पे पड़ती है, एक फास्फोरस युक्त मॉनिटर स्क्रीन पे गिरती है ये बीम, जिसके कारण क्या होते हैं पिक्सल चमकते हैं और जिससे अपने को इमेज प्रदर्शित होती है, तो इलेक्ट्रॉनिक गन है ये। डिवाइस ड्राइव क्या होते हैं, डिवाइस ड्राइव होते हैं एक डिवाइस क्या है, ड्राइव है एक छोटे प्रोग्राम है और क्या है। नेक्स्ट है ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डेटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है, क्योंकि टेप क्या होता है, टेप है वो सिक्वेंशियल होता है कि डेटा को एक सिक्वेंस में उठाता है, जैसे अपने को कोई भी हार्ड डिस्क से डेटा उठाना है तो वो क्रमवाइज चलेगा, उसमें क्या होता है टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है, और जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें आप डेटा को रेंडमली उठा सकते हैं, भी कहीं से भी अगर बीच में डेटा पड़ा है तो वो अपने डायरेक्ट उठा सकते हैं, उसमें क्या उसकी स्पीड तेज़ होती है, क्योंकि वो डेटा को कहीं से भी कम समय में उठा सकती है, तो ये सिक्वेंशियल एक्सेस हो जाएगा टेप है। और अगर मैग्नेटिक डिस्क पूछ लिया जाए तो रेंडमली आएगा, डायरेक्ट एक्सेस भी बोलते हैं इसको। टेलीफोन किस संचार पद्धति पे, टेलीफोन फुल डुप्लेक्स होती है, क्योंकि एक आगे जो फ़ोन करने वाले की भी आवाज़ आती है और फोन जो आवाज़ दोनों तरफ की आवाज़ आने जाने को क्या कहते हैं, फुल डुप्लेक्स कहेंगे। डाटा का ट्रांसमिशन दोनों तरफ से होता है, और एक तरफ से हो तो हाफ डुप्लेक्स बोलेंगे। हाफ डुप्लेक्स पद्धति का काम में आने वाले उपकरण कौन सा है, ये है वाकी टाकी है, जो कि एक ही तरफ से अपने संदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है कौन तेज गति से सिंटेक्स एरर खत्म करता है, तो इंटरप्रेटर है, जिसका उपयोग इंटरप्रेटर है वो लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को पढ़ता है और किसी भी लाइन को
जो एरर है उसको शो करता है। नेक्स्ट है जिस प्रोग्राम की मदद से हार्डवेयर ठीक किया जाता है वो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं, जो कि किसी भी हार्डवेयर की जो मिस्टेक है उनको खोजने के लिए। फ्लॉपी डिस्क किस चीज़ की बनी होती है? लचीली प्लास्टिक की बनी हुई होती है और इसमें एक चुंबकीय पदार्थ का भी लेप होता है। नेक्स्ट है इस प्रकार की मेमोरी को टेम्परेरी या अस्थाई कहते हैं। रैम है सभी को पता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी इन्हें मेन मेमोरी भी कहते हैं। ये भी याद रखना है कि मेन मेमोरी कौन सी है, पूछ लिया जाता है कई बार गलती से हार्ड डिस्क करके आ जाते हैं, जबकि ये रैम होगी। स्क्रीन को होल्ड करने वाला इक्विपमेंट कौन सा है? होल्ड डेस्कटॉप है। नेक्स्ट है एक वर्ड दस्तावेज में वर्ड वर्ण पैराग्राफ और लाइनों को संख्या ज्ञात करने के लिए काउंट काउंट फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, अभी पीछे बताया था। हाउ मेनी बिट्स वुड बी रिक्वायर्ड टू इनकोड डेसिमल नंबर 0 से लेकर 9999 तक है इन स्टेट बाइनरी कोड में? कितने बिट्स की रिक्वायर पड़ेगी? इनकोड को चेंज करने के लिए कितने कोडिंग के लिए इनकी 14 बिट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। आप देख सकते हो कैसे कि द टोटल नंबर ऑफ डेसिमल टू बी रिप्रेजेंट कितना होगा, 10,000, और 10^4 हो जाएगी या 2^13.29 कह सकते हैं, या इसको 14 बोल सकते हैं। इनकोडिंग के लिए 14 बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सा एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो रिलेशनशिप है वो डेटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है, रिपोर्ट कैरी और टेबल होती है। एक डेटाबेस का हिस्सा जो एक सिर्फ एक ही प्रकार के डेटा का भंडारण करता है वो क्या होता है? फील्ड होता है। किसी संख्यात्मक मान के पहले क्या लगाया जाता है जिसे कि उस लेबल के मान की तरह समझा जाए? तो इसके लिए संबंध कारक होता है, ओ के ऊपर कोमा की मात्रा होती है, इसे संबंध कारक कहते हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजी अक्षरों में लिखे गए कंप्यूटर निर्देशों को क्या कहा जाता है? अंग्रेजी अक्षरों में जो कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं या कंप्यूटर निर्देश दिए जाते हैं उनको सिंबॉलिक कोड कहते हैं, सिंबॉलिक कोड होता है वो। एक चुंबकीय टेप क्या है? चुंबकीय टेप सीरियली एक्सेस करता है, अभी बताया था। पेजिंग की अवधारणा को किसके द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है? पेजिंग की अवधारणा दोस्तों याद रखना है ये ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित होती है, जो इसकी सहायता से क्या करते हैं कि इसकी सहायता से सीपीयू या रैम में जो भी ज़रूरी पेज या डेटा होता है उनको रखा या निकाला जा सकता है, उसे पेजिंग बोलते हैं। इम्पोर्टेंट है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या रहता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम किस में रहता है? ये हार्ड डिस्क में रहता है दोस्तों। इसकी जो साइज़ होती है वो 3-4 GB के लगभग होती है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम की अलग अलग साइज़ होती है। यदि आप वर्ड फाइल में कंट्रोल प्लस में एंटर करेंगे तो क्या करेंगे? पेज ब्रेक करेंगे, एक पेज से दूसरे पेज पर डायरेक्टली चले जाएंगे। नेक्स्ट है सी कोड है ऑन 16-bit कंपाइलर। तो 16-bit कंपाइलर में जो सी में कोडिंग की गई है उसका आउटपुट पूछा है इसने क्या होगा। इंट एक्स का मान, एक्स वेरिएबल रखा है, इसका मान उन्होंने 1 रख दिया और जेड का 3 रख दिया, और इंटीजर प्रकार का एक अलग वेरिएबल है वाई, उसकी वैल्यू एक्स रखी है, यानी वाई के इक्वल क्या है? एक्स है। और एक्स में दो ऑपरेटर दिए गए हैं, कौन कौन से हैं? लेस देन 3 वैल्यू रख दी इसके, प्रिंट अप करना है वाई को प्रिंट करना है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? वन को इसको किस में कन्वर्ट करेगा? देखिए वन को बाइनरी नंबर में इन्होंने कन्वर्ट किया है, एक्स की वैल्यू रखी है लेस देन 3, तो ये 3 को इस प्रकार वैल्यू लेगा तो इसका जो मान आएगा वो होगा 8, आउटपुट के रूप में 8 देगा ये। नेक्स्ट है किसी शब्द पर माउस से डबल क्लिक करने पे क्या होता है? संपूर्ण शब्द है वो सिलेक्ट हो जाता है, और 3 बार क्लिक करने पे पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट होता है। कौन सा पावर पॉइंट व्यू प्रेजेंटेशन की हर स्लाइड को थंबनेल की तरह दर्शाता है? एक स्लाइड को पुनर्व्यवस्थित करने में उपयोगी है वो है स्लाइड सॉर्टर है, जिसकी सहायता से अपने स्लाइडों को
सेट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे इनको ऑर्डर क्रम में रख सकते हैं। मेमोरी सेल को क्या कहते हैं, मेमोरी सेल को मेमोरी लोकेशन भी कहते हैं। मेमोरी सेल होती है, मेमोरी का एक एड्रेस होती है। इंटेल 2004 ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि इंटेल का पहला माइक्रो प्रोसेसर है 4004। इन्हें खाद मकसद, एक मकसद से बनाया गया था, एक उद्देश्य से बनाया गया था, और इसका जो 1974 में पहला आम इस्तेमाल होने वाला पहला माइक्रो प्रोसेसर था, ये सन 1900 इंटेल 4004 पुराने ढंग का माइक्रो प्रोसेसर था और इन्हें एक खास मकसद से बनाया गया था। 1974 में पहला आम इस्तेमाल वाला माइक्रो प्रोसेसर आया था, वो बताना है वो कौन सा था, तो वो था इंटेल 8080 था, जो कि पहले प्रथम 8 बिट प्रोसेसर था, ये इंटेल 8008, ये 8 बिट वाला था, और जो 8080 था ये इंटेल में आम प्रयोग में आने वाला पहला प्रोसेसर था, जो कि दूसरा भी 8 बिट प्रोसेसर बोल सकते हैं इनको। पहला 8 बिट 8008 था, दूसरा 8 बिट 8080 था, जो कि एक पहले आम प्रयोग में आने वाला प्रोसेसर था, और इसको 1974 में बनाया गया था। अगर पहले इंटेल का प्रो माइक्रो प्रोसेसर पूछ लिया जाए तो वो 4004 होगा। नेक्स्ट है ASCII किसका संक्षिप्त रूप है, ASCII को बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, तो कौन सा है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। दोस्तों इसका कई बार साइज पूछ लिया जाता है कि ASCII कोड का साइज कितना होता है, तो साइज बिट में पूछते हैं कितने बिट का होता है, ये दो टाइप का होता है, 7 और 8 दोनों बिट में हो सकता है इसका मान। सामान्यतः प्रचलन में है जो कि 8 बिट कोड है वो प्रयोग में लिया जाता है, और 8 बिट कोड के बराबर कितना होता है, 256 करेक्टर होते हैं, ये याद रखना है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मिनी कंप्यूटर की तुलना में क्या करते हैं, अधिक भंडारण क्षमता वाले, अधिक स्टोरेज ज़्यादा रखते हैं, और उनकी जो स्पीड है वो भी तेज होती है। मेन फ्रेम कंप्यूटर को सर्वर भी कहा जाता है, और मिनी कंप्यूटर को मिड रेंज कंप्यूटर कहा जाता है। जो मेन फ्रेम कंप्यूटर की रफ्तार है वो माइक्रो और मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा होती है। चिप क्या है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट है, जो कि हजारों ट्रांजिस्टरों से मिलकर बनी है, उन्हें चिप कहते हैं। ये एक घटक है जिस पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक परिपथ बने होते हैं। नेक्स्ट है तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में पहली बार किसका इस्तेमाल किया गया था, पहली पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया था, वैक्यूम ट्यूब का, पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, फिर दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था, तीसरी पीढ़ी में IC का यूज किया गया था, और चौथी पीढ़ी में माइक्रो उसका प्रोसेसर का यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का। तो तीसरी पीढ़ी में इसमें पूछा है वो है, पहली बार इसमें कैश मेमोरी का यूज किया गया था, कैश मेमोरी के साथ में तृतीय पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज किया गया था। अगर ऑप्शन में आपको IC पूछे, IC दिया हो तो IC भी आएगा, क्योंकि IC का भी यूज किया गया था, नहीं तो हाई लेवल और सी में कैश मेमोरी का भी यूज किया गया था तीसरी पीढ़ी में, ये याद रखना है। हेक्साडेसिमल C1 की वैल्यू को बाइनरी में चेंज करना है, बाइनरी में चेंज कैसे करेंगे, C का कोड कितना होता है, 10 का 1 होता है, 11 का 2, 11 बराबर B, 10 बराबर A, 12 बराबर C होता है, तो 12 और 1, 121 को बाइनरी में चेंज करना है तो आसानी से हो जाएगा, बाइनरी कोड ये हो जाएगा। ASCII कोड को कितने बिट द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ASCII बिट को 7 और 8 दोनों ही बिट द्वारा किया जा सकता है,
जनरली 8 बिट यूज होता है 256 करेक्टर के बराबर, यहाँ इन्होंने दिया है 7 बिट भी दिखाया है, ऑप्शन में 7 बिट है, 8 बिट भी है, तो ASCII कोड 7 बिट का होता है। अगर जनरली दोनों ऑप्शन में आए तो अपने को 7 बिट ही करना है, 7 बिट होता है, जहाँ प्रथम 3 बिट जोन है, 3 बिट जोन होते हैं और अंतिम 4 है वो 4 बिट डिजिट जो डिजिट बिट होते हैं। प्रथम 3 तो जोन बिट होते हैं और अंतिम जो 4 होते हैं वो डिजिट बिट होते हैं। प्रोग्राम दिया हुआ है सी में, आउटपुट बताना है इसका। इंटीजर प्रकार का एन वेरिएबल लिया है, एक इन्होंने लूप लगाया है, फोर लूप का यूज किया है, एन की वैल्यू 7 दे दी, एन नॉट इक्वल टू 0, तो अगर एन की वैल्यू 7 है, एन अगर 0 के इक्वल नहीं है तो एन में क्या हो जाए, माइनस हो जाए, प्रिंट अप एन बराबर परसेंट डी एन माइनस, तो एन की वैल्यू को प्रिंट करना है, गेटचर में वैल्यू देंगे, रिटर्न 0 होगी, तो इसका क्या आएगा, ये इन्फिनेट लूप है, एन के मान में 2 कमी हो रही है और एन की वैल्यू विषम ही रहेगी, कभी 0 नहीं हो पाएगी, इसलिए ये लूप है वो इन्फिनेट होगा, अनंत होगा, चलता रहेगा। हेक्साडेसिमल वैल्यू 16 को डेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में चेंज करना है, तो इस प्रकार कर सकते हैं। सोलह की 0, 16 की 1, 16 + 6 = 22 हो जाएगा। नेक्स्ट है H1 टैग क्या दर्शाता है, हेडिंग सबसे बड़ी हेडिंग है ये, और H6 सबसे छोटी हेडिंग है। सी प्रोग्राम दिया गया है, उसका आउटपुट देना है, इंटीजर प्रकार का X लिया है, प्रिंट अप किया है और स्कैन अप भी किया है, एक्स एंड एम परसेंट एक्स को, सपोज दैट इनपुट वैल्यू गिवन फॉर अबो स्कैन अप इज 20। दोस्तों एक क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि सेंटेंस दिया हुआ है इतना इसमें कि भी कोई भी इस चीज़ की जिसे इन्होंने प्रिंट अप किया है या स्कैन अप लिया है, स्कैन अप फंक्शन यूज किया है, तो इसकी इसको कमेंट देनी है, तो कमेंट को कौन से ऑप्शन के बीच में दिया जाता है, तो ये आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक तो ये फॉरवर्ड स्लैश फिर स्टार फिर फॉरवर्ड स्लैश, इन दोनों के बीच में रखा जाएगा इनको, ये कमेंट होती है या नोट्स बोल सकते हैं इसको। तो स्कैनर फंक्शन यूजर से ली गई वैल्यू की संख्या रिटर्न करेगा और ये संख्या एक संख्या पढ़ी गई है, तो रिटर्न 1 करेगा ये, इसको वैल्यू 1 रीड किया गया है। नेक्स्ट है HTML टेक्स्ट, HTML में टेक्स्ट को किस रूप में लिखना जरूरी है, HTML में किसी भी लिख सकते हैं, लोअर या अपर केस दोनों यूज किया जा सकते हैं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता यहाँ पे। नेक्स्ट है विंडोज में क्लिप बोर्ड क्या है, क्लिप बोर्ड है जी सूचनाओं के लिए तत्कालीन स्टोरेज क्षेत्र जिसे आप एक स्थान से कॉपी या मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट है टर्मिनल क्या है, टर्मिनल वह बिंदु है जिस पर डाटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है, उसे टर्मिनल कहते हैं। प्रोग्राम कोड का आउटपुट पूछा है, इंटीजर करेक्टर पर इंटीजर प्रकार का CH लिया है, उसका मान या वैल्यू 20 दी है, प्रिंट करना है प्लस प्लस CH को और CH को। तो दोस्तों इसमें क्या है, प्लस प्लस अगर ये वैल्यू पहले दे रखी है, CH की वैल्यू पहले प्लस प्लस किया है, यानी पहले इसका मान 20 का मान प्लस होगा, एक प्लस हो गया, एक तो कितना हो गया 21, फिर CH का मान है वो यहाँ प्रिंट होगा, तो यानी इसका मान पहले कितना प्रिंट होगा 21 होगा और CH का मान कितना दे रखा है 20 दे रखा है, तो इसका मान सीधा ही 20 ले लेगा, इसका मान प्लस प्लस CH का मान कितना लेगा 21 लेगा, तो 21 और 20 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पे CH, दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, अगर यहाँ पे CH के बाद में प्लस प्लस होता तो इसका मान कितना होता,
इसका मान कितना होता, क्या 19 होता या 21 होता या 20 होता, कितना मान होता? तो देखिए अगर ये 20 वैल्यू दे रखी है तो पहले ये वैल्यू सी एच की डायरेक्टली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता, उसके बाद उसमें प्लस करता ये, तो वैल्यू इसकी पहले कितनी जाती, 20 ही वैल्यू जाती, उसके बाद उसमें चेंज करता, न्यू लाइन में आता तभी ये इसका मान 21 रखता, वरना इसकी वैल्यू 20 ही रहती। नेक्स्ट है, किस व्यू में स्लाइड की छोटी तस्वीर नज़र आती है? तो स्लाइड शॉर्टर व्यू होता है। कौन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजन है जो कंप्यूटिंग डिवाइसों के बीच सूचना के आदान प्रदान की सुविधा प्रदान करता है? वो नेटवर्क होता है। नेक्स्ट है, कौन सा एक प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट है, निर्दिष्ट कीजिए कौन सा कथन सही है या गलत है। कथन दिए हुए हैं, टच पैड माउस का एक विकल्प है, क्या ये माउस का विकल्प है टच पैड? तो ये सही है, टच पैड माउस में ही होता है। जॉयस्टिक भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ये भी सही है, जॉयस्टिक एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, ये गेम्स के लिए यूज होती है। सीआरटी मॉनिटर भारी और बड़े होते हैं और तथा मोनोक्रोम या रंगीन हो सकते हैं, तो ये भी सही है, तो इसमें तीनों ही सेंटेंस सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, वे संदेश जो किसी विशिष्ट वेबसाइट पर यूजर की गतिविधियों की जानकारी रखते हैं उसे कुकीज कहते हैं। नेक्स्ट है, टेलीफोन नेटवर्क में निम्न में से कौन सी स्विचिंग तकनीक काम में आती है? स्विचिंग तकनीक है वो सर्किट स्विचिंग में आती है, ये जो टेलीफोन नेटवर्क में है वो सर्किट स्विचिंग यूज में आती है। टेलीफोन नेटवर्क में अगर इंटरनेट में पूछ लिया जाए तो वो होगी पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट पर मैसेजिंग और पैकेट स्विचिंग दोनों ही यूज में आती है, याद रखना है। टेलीफोन में केवल सर्किट स्विचिंग होती है। हब का उपयोग कौन सी टोपोलॉजी में किया जाता है? हब का स्टार में किया जाता है, हब या स्विच दोनों का, क्योंकि स्टार में बीच में हब या स्विच लगा होता है और ये स्टार के टाइप में इसमें कंप्यूटर ऐसे कनेक्टेड होते हैं एक वर्ताकार एरिया में, ये एक स्टार की तरह दिखता है इसलिए इसे स्टार टोपोलॉजी कहा जाता है। अगर ये पूछ लिया जाए कि एक ही केबल से कनेक्टेड कौन से कंप्यूटर हैं, कौन सी टोपोलॉजी है, इस प्रकार ये कनेक्टेड होते हैं, तो ये होता है बस टोपोलॉजी, जिसमें एक ही केबल से कनेक्टेड होते हैं कंप्यूटर। नेक्स्ट है, डिजिटल मुद्रा का अन्य नाम क्या है? ई कैश होता है, डिजिटल लेन देन कर सकते हैं। निर्दिष्ट कीजिए कौन सा कथन सही है, ये कथन सही है या गलत है। एक फाइल का 3 बार से अधिक कॉपी नहीं किया जा सकता, एक बार क्यों नहीं किया जा सकता, एक बार एक फाइल को कितनी बार कॉपी किया जा सकता है? कॉपी और मूव कमांड का उपयोग एकांतर इंटरचेंज के रूप में किया जा सकता है क्योंकि वे समान कार्य करते हैं। ठीक है।